वेलकम टू राजशमानी क्लिप्स। यहाँ पे हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपके इंडियन ड्रीम को आप अचीव कैसे करेंगे, इंडिया के टॉप माइंड्स और टॉप लीडर से समझ के कि उन्होंने अपना ड्रीम कैसे पूरा किया। सर, आपका मेंटोर कौन है, कोई है आपके मेंटोर्स? तो मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब से सिखाऊँ। उनके जीवन में इतनी सादगी थी, इतनी सरलता थी और गरीब मजदूर, गरीब के प्रति इतनी कटिबद्धता थी। तो आई फील इट, मैं उसको बहुत आइडियलिस्टिक मानता हूँ। वाजपेयी जी की सह हृदय था, उनका प्रेम कार्यकर्ताओं के प्रति, इतना बड़ा होने के बाद भी उनकी नम्रता, शालीनता, सहजता, संवेदनशीलता। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उनमें से कुछ गुण लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आप इंडिया के बाहर के लीडर्स को भी देख के कुछ सीखते हो? कभी कोई लीडर आपको बहुत पसंद है और उनकी कोई स्किल या क्वालिटी आपको अच्छी लगी तो आपने सोचा मैं भी इधर लेके आता हूँ, कोई आपका आइडल है आउट ऑफ इंडिया? मेरे पास आए थे। ओके। काफ़ी देर मुझे, बहुत दुनिया के लोग आए, हिंदुस्तान के आए। अब मैं सबके बारे में कोई कमेंट्स देना उचित नहीं, पर मैं जो पहली बात आपको कही थी कि देश में और देश के बाहर सीखने लायक बहुत कुछ है, पर पहले आप ये समझ लो आपका अहंकार, एरोगेंस, इसको कम करो। आत्मविश्वास और अहंकार, इन दो शब्दों में अंतर बहुत कम है। आत्मविश्वास ही रहो पर अहंकारी मत रहो। तो ये जो नए नए दुनिया के लोग हैं, उनकी नम्रता, उनकी शालीनता, उनकी सहजता, उनका शिष्टाचार, उनका अप्रोच सीखने लायक है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से, छोटे बड़े से, जो अच्छा ही होगी वो सीखो और अपने में लाने की कोशिश करो। इसी से आपका व्यक्तित्व गुणवत्तापूर्ण और अच्छा होगा। तो आप सीखने की बात करते हो और आप बहुत बार बोलते भी हो कि बाहर की कंट्रीज से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। देखो, जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक तो आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी से तो वो लो, नहीं है तो बाहर से लो। मैं बहुत बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आप में जितनी क्षमता आप यहाँ करो, नहीं होगी तो बाहर से लो। अच्छा ही अगर अच्छी टेक्नोलॉजी उसको स्वीकार करो और आगे जाओ। आपको दूसरी बात मैं कहता हूँ कि नो पर्सन इज बेस्ट, नो मटेरियल इज बेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, हम उनको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा ट्रेनिंग देंगे। तो फ्रेंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं? आपके फ्रेंड्स हैं कि आप पीछे छूटते जाते हो? पॉलिटिक्स में आप एक सोचो, इट इज नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट। पॉलिटिक्स में व्यक्ति की कीमत नहीं होती, उसकी कुर्सी की कीमत होती है। और जो करियर ओरिएंटेड कन्वीनियंस पॉलिटिक्स करने वाले, ये बराबर जानते हैं कि किसके घर चक्कर मारने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, किससे दोस्ती रखने से क्या होगा, वो कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, मैं इससे ऊपर उठ कर आऊँ, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी नीतियाँ, समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पण और काम करो। देखो, एक समय ऐसा आता है कि मैं मेरे जीवन की कहानी बताऊँ, मैं कभी दिल्ली नहीं आता, मुझे किसी नेताओं के मकान मालूम, अभी भी दिल्ली के रोड मालूम। और मैं पहली बार दिल्ली आया तो बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। मेरी माँ MLA नहीं थी, मेरे पिता MP नहीं थे, मैं बड़े घर का नहीं था, मैं पोस्टर चिपकाने वाला और मेरा हैंडराइटिंग खराब था, तो काले बिल्डिंग पर सफ़ेद चूना लगाने के काम वाला आदमी था। वो काम करते करते जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुआ, मैं अध्यक्ष बन गया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तुम अच्छा करो, कर्मण्येव वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और दूसरी बात, तुम अच्छा करो तो आपको अच्छा ही मिलता है, नहीं मिलेगा थोड़े समय के बाद मिलेगा, और नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम करते रहो। तो पर डिफिकल्ट नहीं होता कभी कभी कि अब पता है कि बहुत लोग हैं कि वो मतलब के लिए आएंगे, तो दोस्ती कैसे बनाओ फिर नए लोग? आने दो सबको भैया, हमको किसी को नहीं बोलना। अच्छा, सब आएंगे, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, अच्छी बात करो, हो सकता वो काम कर दो, नहीं हो सकता बोल दो भैया नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं संघ का हूँ, BJP का हूँ कट्टर। मेरे डिपार्टमेंट में चर्चे तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ये पहली बार मुझे स्पीकर साहब ने कहा, ये पार्लियामेंट में हुआ कि हर व्यक्ति ने मेरा अभिनंदन किया और मेरे को शुभेच्छा दी। मैंने भाषण में कहा कि मैं BJP का हूँ, संघ का हूँ, मेरा कन्विक्शन पक्का है, आप मेरे विचारों के विरोधी है, इसके बावजूद भी आप मुझे धन्यवाद दे रहे हो, मेरा अभिनंदन कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपका आभारी हूँ। इसका कारण, मेरे घर पे कोई आता है, कोई भी पार्टी का, देश सबका है,
तो मैं ये नहीं बोलता ये मेरे पार्टी का इसका काम करूंगा, मैं बोलता जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है सबका। मैं करते गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और मेरे मन में सपने भी नहीं आया था कि मैं ऐसा करने से मुझे लोग इतना ऐसा कहेंगे। देखो सपोर्ट मिला, तो मुझे लगता है कि अच्छा बीज बोते रहो अच्छे ही फल आएंगे।